उठा करके जरा जोर से जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्या बात, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। वो सोच रहे पानी न बरसने लगे, मगर जितने दूर हाथ धोई उतने पानी खत्म हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए भोले बाबा की जय। बोलिए पार्वती माता की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपकी तरफ से 21 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए तुरंत कार्यक्रम की श्रृंखला में चलते हैं। Thank you.
और ये सम्मानी बड़े भैया आर्मिस लाल मेहरा आपकी तरफ से ये 21 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। छोड़ दो तो भैया दिया, क्योंकि पहले हमारे भगवान गणेश का पार्वती नंदन ही नाम था। बिल्कुल समझने वाली बात है। तो पहले पर पार्वती नंदन को खड़ा कर दिया और कहा किसी को अंदर मत आने दे। इतने में भगवान भोलेनाथ आ गए और अंदर जाने के लिए जिद करने लगे। पार्वती नंदन ने उनको लाख बार मना किया कि आप अंदर मत जाइए, माने मना किया है, लेकिन वो माने नहीं और क्रोधित हो गए। और जब क्रोधित हो गए तो देखिए अपने त्रिशूल से पार्वती नंदन के शीश को काट दिया। ऐसे कहना भैया हारमोनियम का थोड़ा सा माइक बढ़ा दीजिए। अरे भैया छोटे लाल भैया की तरफ से 1 सेकंड रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया से आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी। आइए अगली पंक्तियां सुना रही हूँ। शादी करवा दो। अब देखिए हुआ क्या। कार्तिक के गले से
वचन ये सुना। जब इतनी बात माँ ने सुनी तो देखिए माँ कहने लगी, क्या सरकार बढ़ा दे, सरकार में मजा नहीं आ रहा है, देश वाला देश देश में चाटू चला चाटू। हाँ क्या बात है, अब आ रहा हूँ, चलो Thank you.
बहुत बढ़िया बोल सा भैया, ऐसे बोले अभिषेक यादव इटावा और टेढ़ी पुलिया लखनऊ, आपकी तरफ से 500 रुपए आए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है और आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी। देते हो ना? हेलो हेलो, अरे बड़े भैया संदीप की तरफ से 21 रुपए आए, हम बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी। और ये बड़े भैया हरि यादव जनियालपुर जनियालपुर आपकी तरफ से, ये दरियालपुर आपकी तरफ से 21 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोई बोलने में गलती हो जाए तो पर्चा खर्चा दोबारा भेज देंगे। Thank you.
बिल्कुल भंडारा है, काम में आएगा। कहाँ सुख दुख आए जाए, ओ आए सुख दुख आए जाए, सुख की वर्षा कर लेकिन पहले। और ये अरे भैया कौशल यादव है क्या बात है, यादव बात हो वादी नगर। अरे अरे भैया बबलू यादव क्या बात है वादी नगर, आप दोनों की तरफ से दो सौ एक एक मुद्राएं आई है। हाँ ये चोरी हमेशा से लागत रखे हुए भैया, को बहुत बहुत धन्यवाद है और आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी। जय हो जय हो। तो आइए इसी गीत को लेकर के हमारा गीत चल रहा है। चलो चलो, जैसा कि आप सभी लोगों ने कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया है, जिसमें छक्के हो रहे हैं, तो आइए गीत हमारा कहना है। बड़े भैया गीत को सुनिएगा। क्या करूं जितना भैया पावनी महाशिवरात रात भर शिव का करें भंडारे में खाए हो। तुम्हारा कोई जोड़ नहीं बेटा, खीर ज्यादा खाए है बेटा, मगर जोड़ के है। तो पावनी महाशिव रात रात भर शिव का करे नमन, का पावनी महाशिव रात रात भर शिव का करे नमन। हम लोगों ने जब आया रहा देखा तो यहाँ नमः शिवाय चाल का जाप हो रहा था। बिल्कुल छूट रहा तो है कि खिल जाए कलम का फूल सूल, का खिल जाए कलम का फूल सूल जब शिव जी करे दमन। अरे खिल जाए कलम का फूल सूल सब शिव जी करे दमन, तो पावनी महाशिव रात गीत में कोई विशेष बात नहीं है, नहीं बिल्कुल खुली पंक्तियों में गीत कह रहा है एकदम साधारण, लेकिन विरोधी मंडल के देखो कितना पसीना छूट रहा है। और ये बड़े भैया हमें विष्णु कुमार यादव जी की तरफ से 21 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद। तो ये अगली पंक्तियाँ हमारी कह रही है क्या कि सुख सरिता सरसाए, सुख से
तो जिद की चिंता जिद हो जाए, जिद में चेतन ये भूल कैसे है कहा जिद की चिंता जिद हो जाए और जिद में चेतन लाए जानने वाले तो जिद की चिंता जिद हो जाए जिद में जब के मन मन चितवर
जैसे आज है भक्त बरसा रहे हैं, मुझे की बारिश कर रहे हैं। और ये बड़े भैया जगजीत बीज वाला प्रवाह जिला पंचायत आपकी तरफ से ये 200 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी। आइए हमारा गीत कह रहा है जब काम दहन होता है, क्योंकि शिव जी समाधि में लीन थे। आज हम माता है वही जा रहे हैं, वो जाए ना, क्योंकि श्री राजा की रात सबको नसीब नहीं होती है, रात भर जाग लेते हैं, मन चाहे वरदान पाते हैं। क्योंकि एक बार शिव जी समाधि में लीन थे और रामदेव आकर उनकी समाधि को भंग कर लेते हैं, तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर लेते हैं। वही रात रति अपने आंचल में बांध कर माता सती के पास पहुंच जाते हैं। कहने लगी अरे रती ने राखी मति की राखी कलियां चुन 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 कर लाए जब काम दहन हो तो आइए देखिए अभी क्या कह रहे हैं।
एक से क्या हम पे आए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने में हिरनी वहां पर आ गई, तो शिकारी ने तीर दागा और उसके हृदय से बेल के पत्ते नीचे गिरने लगे। और जब नीचे गिरे तो शिव का लिंग उधर, नीचे शिव का लिंग था और उधर हिरनी कहा मैं अपने परिवार सहित आती हूँ। हिरनी ने कहा कि मैं अपने परिवार सहित आती हूँ। और इसी प्रकार देखिए रात बीत गई, और जब रात बीत गई तो देखिए हुआ क्या। तो एक सितारी लिया मान में कर रे शिकार है आज, अरे हिरनी का परिवार मिलत कर सुनो चलाता, हिरनी का परिवार में रख कर तीर न सुनो चलाता, तीर न सुनो चलाता। तो कहना पड़ा अरे रात वो सुनी परम सुहावन, महासिंह हर सिंह का।